नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय फंड्स की बात करें तो स्विस बैंक में ये 14 ईयर हाई पर आ चुके हैं, और 2020 से तुलना करें 2021 का जो डेटा है ये 50% से इंक्रीज हुआ है। यानी स्विस बैंक में भारतीय पैसे बहुत तेजी से बढ़े हैं, एंड 2018-19 में ये नंबर्स कम हुए थे और 2020 और 21 में वापस इंक्रीज होने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन फंड्स जो स्विस बैंक में है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसको काफी ज्यादा न्यूज में भी आप देख सकते हैं कवर किया जा रहा है। इंडियन मनी इन स्विस बैंक राइजेस टू 14 ईयर हाई, 50% जंप देखने मिल रहा है, एंड सेकेंड ईयर इन अ रो जब ये इंक्रीज हो रहा है, तो इस प्रकार से इसको कवर किया जा रहा है। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एंड हो सकता है ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग हो। तो क्या है दोस्तों, आइए आज की क्लास में देखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए ताकि चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों जो इंडियंस के द्वारा मनी पार्क्ड है स्विस बैंक में, वो 14 ईयर हाई पर आ चुका है, और ये नंबर है आज के टाइम में 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक्स, 2021 का जो डेटा अभी रिसेंटली शेयर किया गया है। एंड ये अगर आप देखें तो ये डेटा ज्यूरिख बेस्ड स्विस नेशनल बैंक ने भारत के साथ शेयर किया है। और दोस्तों, अगर हम मनी की बात करें तो 2018-19 में ये डेटा कम हो रहा था, जो पैसा स्विस बैंक में शेयर जो स्टोर्ड था जो भारतीयों के द्वारा, वो डिक्लाइन पर था। एंड 2020-21 में आप देखें तो वापस से ये इंक्रीज करने लगा है, एंड ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर है राइज का। 2021 का जो डेटा आया है, 2020 में 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक्स था, अब ये बढ़ के 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक्स हो चुका है, यानी एक साल में 50% से राइज हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम ये टोटल 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक्स की बात करें तो इसमें आप देखें तो सबसे बड़ा कंपोनेंट है करीबन 2 बिलियन का, जो कि आप देखें तो जो कस्टमर्स ने बॉन्ड सिक्योरिटी एंड अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा स्विस बैंक में स्टोर करके रखा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आता है 600 मिलियन का स्विस फ्रैंक में, आप देखें तो ये कस्टमर डिपॉजिट्स हैं, और इससे थोड़ा बड़ा करीबन दुगना है 1.2 बिलियन स्विस फ्रैंक्स, जो कि इंडियंस के द्वारा अन्य बैंक के द्वारा स्विस बैंक में स्टोर्ड हैं या फिर जमा हैं। तो और इसके सिवा 3 मिलियन स्विस फ्रैंक्स भी हैं जो कि ट्रस्ट्स एंड फिड्यूशरीज के द्वारा वहां पर जमा करवाए गए हैं। तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा शेयर अगर आप देखें तो वो है बॉन्ड सिक्योरिटी एंड अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, जो कि स्विस बैंक्स के जरिए वहां पर स्टोर्ड है। एंड जो कस्टमर डिपॉजिट्स हैं, ये भी आप देखें तो 500 मिलियन से बढ़कर 600 मिलियन पहुंची है। तो ये जो डेटा कहाँ से आया, सबसे पहले तो आपको बता दूं, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। तो इंडिया और स्विट्जरलैंड ने दोनों ने एक ऑटोमेटिक शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया था नवंबर 22, 2016 को, और इसके लिए EEOI, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टैक्स मैटर्स के लिए, आप अगर देखें तो एक MOU भी साइन किया गया था। तो इसके द्वारा क्या होता है कि दोस्तों, जो गवर्नमेंट को स्विस गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, एंड इंडिया स्विट्जरलैंड टैक्स ट्रिटी के अनुसार इसको गवर्न किया जाता है, एंड ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविजंस मेंटेन किए जाते हैं स्विट्जरलैंड और इंडिया के इस डेटा शेयरिंग अग्रीमेंट के अनुसार। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट की गई कि भाई क्या कारण है जो इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि एक तो कारण है कि जो इंडियन कंपनीज की जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो भी बढ़ रही है, साथ ही साथ जो स्विस बैंक हैं उनके डिपॉजिट्स भी इंडिया में जो ब्रांचेस हैं उनमें भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं। इसके सिवा इंटर बैंक ट्रांजेक्शन भी स्विस एंड इंडियन बैंक्स में इंक्रीज हुई है, इस वजह से ये डेटा इंक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद कहा है कि ये जो फिगर्स हैं ये क्वांटम ऑफ ब्लैक मनी को राइटली शो नहीं कर रहे किसी भी तरीके से, क्योंकि इन स्टेटिस्टिक्स में वो पैसा जो कि इंडियन राउंड ट्रिप करके किसी अन्य देश के थ्रू स्विस बैंक में लगा रहे हैं वो इसमें नहीं दिख रहा, ना ही वो NRIs जो कि पैसा लगा रहे हैं स्विस बैंक में जमा करवा रहे हैं वो भी इस डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत 44th प्लेस में है जब टोटल क्वांटम ऑफ मनी स्टोर्ड इन स्विस बैंक की बात करें, एंड पोलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, बहरीन, ओमान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, मॉरिशियस एंड हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, हंगरी, फिनलैंड से ज्यादा पैसा भारतीय स्विस बैंक में स्टोर कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे कहना चाहूंगा, बांग्लादेश पाकिस्तान में भी ब्लैक मनी कुछ वैसा ही मुद्दा है, उतना ही पॉलिटिकली संवेदनशील मुद्दा है जितना भारत में है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो पैसा स्विस बैंक में स्टोर्ड है वो इंडियंस की तुलना में कम है।
ब्रिक्स नेशन की बात करें तो रशिया 15वें पायदान पर है, यानी कि 15th लार्जेस्ट मनी रशियंस का जो स्विस बैंक में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, 15th प्लेस पे रशिया आती है, फिर चाइना आती है, नंबर वन पे अगर आप देखें तो यूके है, उसके बाद यूएसए है, एंड इसके बाद इंडिया के ऊपर जो देश हैं आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया यूके नंबर वन पे है, यूएसए नंबर टू पे है, इसके सिवा यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, इटली, स्पेन, पनामा, सऊदी अरेबिया जैसे कई देश आपको देखने मिलेंगे, थाईलैंड भी है, लिबेरिया भी है, इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, पोर्टुगल भी है, मार्शल आइलैंड्स भी हैं, तो ग्रीस भी है, तो ये सारे देश भी आपको देखने इसमें मिलेंगे। पर हो सकता है दोस्तों ये जो डेटा है, जैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद कहा है, ये राइटली इंडिकेट नहीं कर रहा है कितनी ब्लैक मनी, जो क्वांटम ऑफ ब्लैक मनी वहां पे स्टोर्ड है उसके बारे में कहीं से भी अंदेशा इस डेटा से नहीं लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप एक साल से अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा अकेडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलती है मेंस के लिए जब आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 170 प्लस टॉपर्स इन 2020 थे, 178 प्लस टॉपर्स 2021 में आपको देखने मिलेंगे, अनअकैडमी के हमारे स्टूडेंट्स हैं ये सारे। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं मेन टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम अब अवेलेबल है 2022 के लिए, तो यूपीएससी जीएस मेन टेस्ट सीरीज है जिसमें 15 टेस्ट हैं, सेक्शनल फुल लेंथ एंड एसे भी इसमें कवर किया गया है, एंड ये एनालिसिस भी होगा सेशंस का टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, डिटेल्ड इवेलुएशन भी बनाया जा रहा है, एंड एक्सक्लूसिव मेन स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पहला टेस्ट 18 जून को होने वाला है, तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका फायदा उठाने के लिए। इसके सिवा ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें 8 प्लस टेस्ट की प्रिपरेशन होगी, एंड इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं KC10 कोड के साथ, एंड अनअकैडमी लाइट अंडर यूपीएससी ऑप्शनल गोल्स फॉर PSIR हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्योग्राफी सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मैथमेटिक्स में इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके सिवा जो मेन टेस्ट सीरीज है ये सेपरेट गोल है यूपीएससी सीएससी जीएस मेन टेस्ट सीरीज, उसमें आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ ही कॉम्बैट भी अवेलेबल है, 4 करोड़ की रिवॉर्ड है, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और 19 जून को होने वाला कॉम्बैट का हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें जीएस और ऑप्शनल भी, इसकी कीमत 61,075 रुपए है एक साल की यूजिंग दी कोड KC10, और एक साल की आइकनिक कॉम्बो जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों है इसकी कीमत है 78,204 रुपीज़। वहीं अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन एक साल की लेते हैं तो 51,470 रुपीज़ है, और एक साल की आइकनिक की सब्सक्रिप्शन कीमत 7,394 रुपीज़ है। ये सब कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज़ कर रहे हैं, और एक साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत 27,215 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है। पाथ फाइंडर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों डेली आंसर राइटिंग की मैं कॉन्कर मेन्स प्रोग्राम रन कर रहा हूं, तो आज आखिरी दिन है इसका हिस्सा आप बन सकते हैं, तो 4 PM टू 6 PM है। बाकी प्लस कोर्स है एनवायरमेंट ज्योग्राफी, एंड आप KC10 से इनमें एनरोल कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं उनका फायदा आप उठा सकते हैं। अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल रहा है, ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजन यूनिक पब्लिशर्स के द्वारा आप इसको डायरेक्टली अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी हमने लॉन्च किया है, 8 ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, यूपीएससी सीएससी बैचेस भी जून 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सब का हिस्सा आप बन सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको हम दे रहे हैं, तो मेक मोस्ट ऑफ इट एंड इसका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।